कालेश नहीं, तप ज्ञान ध्यान जल से परणति है नित भीगी। धनी वनवासी मुनिराज मुक्ति रमणी सिरताज, वो मुनि वर सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक अपने दस लाक्षणिक धर्म का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। रमो अरिहंताणम रमो सिद्धाणम रमो आयरियाणम रमो वज्रायाणम रमो लोये सर्व साहूणम तम क्षमा मारिदव आर्जव भाव है सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है चहुं गति दुख ते काड मुक्ति करतार है चहु गति दुख ते काड मुकति करतार है। शाश्वत पर्वादी राज दश लक्षण पर्व की हम सभी मंगल आराधना कर रहे हैं। आत्मा में अनंत गुण है, उस अनंत गुण स्वभावी इस आत्मा की शुद्ध आत्मा की चर्चा जब हम करने पहुंचते हैं तो एक एक रत्न अपने आप में ऐसा है जिसका मूल्य आंकना संभव है। वास्तव में जो क्षमा माधव आर्जव सत्य सोच संयम तप त्याग और आकिंचन ब्रह्मचर्य ये जो दस धर्मों की चर्चा आती है ये तो कहा जाए तो समझ लेना एक सैंपल है, नमूने हैं जिनके माध्यम से ये तय होता है कि पदार्थ या वस्तु कैसी है, ये द्रव्य कैसा है और उस द्रव्य के स्वरूप का परिचय इन गुणों के माध्यम से ही संभव होता है। लेकिन जिस जीव को अपने गुणों का बहुमान ना हो, अपने द्रव्य स्वभाव की महिमा नहीं आती है, वह पर्याय बुद्धि करता है और पर्याय तन्मयता के कारण स्वभाव की विराधना करके और मान कषाय का पोषण करता है। मार्दव धर्म इस बात की बात कहता है मृदो भावा मार्दवा, यानी मृदुता का परिणाम वह मार्दव है, नरम सरल ये मार्दवता का लक्षण है। जो जितना सरल होगा, जिसके अंदर परिणति जितनी भीगी हुई होगी उसमें उतनी जल्दी सिद्धत्व के बीज डलेंगे और उतनी जल्दी उसकी भव्यता पक्के सिद्ध दशा की प्राप्ति हो। आप और हम सब भली प्रकार से इस बात को जानते हैं, जब कोई कृषक अपने खेत में कोई खेती करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको क्या करना पड़ता है, उस भूमि को नरम करना पड़ता है। वह उस पर हल चलाता है, वह उसके ऊपर अनेक उपाय करता है, जल सिंचन करता है, परिश्रम करता है, अपना पसीना बहाता है। जब वह भूमि तैयार होती है तब उसमें उचित बीज डाला जाए उचित समय पे और फिर उसकी भी रखरखाव यथावत की जाए तो फिर वह पौधे का रूप धारण करता है या वृक्ष का रूप धारण करता है और उसमें से फल प्राप्त होते हैं।
तो निश्चित ये बात हमारे को स्पष्ट समझ में आती है कि जैसे मिट्टी की नरमाई के बिना उसमें से वह माल निकलने वाला नहीं है, वह पौधा उगने वाला नहीं है, वह वृक्ष खड़ा नहीं होने वाला, ये पक्का हम जानते हैं। लेकिन जब अपने आत्मा की चर्चा की बात आती है तो बस यहाँ पर जीव प्रमाद कर बैठता, और वह प्रमाद क्या होता है, अपने स्वरूप को तो नहीं देखता और पर्याय दृष्टि करके पज्जे मूड़ा ही पर समय हो जाता। क्या कह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो दस लक्षण धर्म में मारुधा धर्म की चर्चा मुख्य पने से आई है, आत्मा और मान कषाय का जो भेद है इसको जीव नहीं अनुभव करता, नहीं जानता, और इसी के लिए उसका मान चलता है। आत्मा क्या है और मान कषाय क्या है, अपने विगत दिवसों से जो चर्चा चल रही है, चाहे वो प्रातःकालीन समयसार कलश के हों या गुरुदेव श्री की ज्ञान गोष्ठी की तत्व चर्चा हो, उसमें एक ही बात की पुष्टि की जा रही है, बारंबार प्रेरित और लक्ष्य एक ही है, जीव को अपने स्वभाव की महिमा आए। अपनी महिमा नहीं आती है तो फिर पर पदार्थों में ही उसको महिमावंत बना दिखता है। पर द्रव्य पर भाव में जो कर्ता बुद्धि है, अहम बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, यही वास्तव में मान कषाय। और ये मान कषाय कब से चली आ रही है, अनादि काल से मान कषाय चली आ रही है। इस तारतम्य में, इस प्रसंग में हमें जिस बात को भली प्रकार से विचार करना है वो ये करना है कि मुझे मेरी प्रभुता का ज्ञान नहीं है, इसमें कमी किसकी है, क्या परद्रव्य में ऐसी सामर्थ्य है कि वो मुझे आकर्षित कर लेता है, या मुझे अपने स्वभाव की क्षमता नहीं मालूम है इसलिए मैं पर पे आकर्षित हो जाता हूँ। बाबू युगल जी साहब ने अपनी पूजन में ऐसी एक पंक्ति डाली, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। क्या कह रहे हैं, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, कैसे झुक जाता है जड़ पर, कभी विचार किया, हाँ कैसे झुक जाता है, बोलो आपका कंठ कैसा है, आप भजन गाते हैं और कोई ने प्रशंसा कर दी कि बहुत मधुर कंठ है आपका, तो हमको कैसा लगता है, मैं एक अच्छा गायक हूँ, मेरा काम ही ये है, मतलब वो विकल्प फिर ऐसा हावी होने लगता है कि जिन मंदिर के अंदर भी भक्ति चले तो उसे भगवंत के प्रति भक्ति का भाव मुख्य ना रह करके ये विचार चलता रहता, मेरा मौका कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, मैं अपनी भक्ति कब करूँगा। तो गजब की बात है, जिनेन्द्र की भक्ति करना है कि अपनी भक्ति करना, परंतु एक चीज पर आकर्षण हो गया, उस एक वस्तु पे उसको ऐसा लगा ये मैं हूँ, ऐसा जो परिणाम है ये मान कषाय का भाव, ऐसा सब में लगा लेना। आठ प्रकार के मदों की चर्चा आपने और हमने छह ढाला के माध्यम से भी पढ़ी है, और सम्यक दृष्टि इन आठ प्रकार के मदों से रहित होता, यद्यपि देखा जाए तो सम्यक दृष्टि मतलब कोई छोटी बात नहीं, सम्यक दृष्टि मतलब केली करें जिगमाह, केली करें शिव मार्ग में जगमाही जिनेश्वर के लघु नंदन, वीतरागी भगवंत का सबसे छोटा पुत्र उसको सम्यक दृष्टि कहा। क्या कह रहा है, सम्यक दृष्टि मतलब वीतरागियों का अरिहंत का सबसे छोटा पुत्र, पंच परमेष्टियों में जो अरिहंत सिद्ध परमात्मा उनके सबसे छोटा बेटा जो है वो है, क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि। और जो दिगंबर मुनि भगवंत हैं ये उनके बड़े बेटे, किसके, मोक्ष मार्ग में अरिहंत और सिद्ध के। तो दिन रात मुनिराज क्या कर रहे हैं, आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, दिन रात उग्र तपस्या चल रही है लेकिन कभी ये परिणाम नहीं आता मैं इसका करता। अभी दस लक्षण पर्व आ रहे ना, तो ये दस लक्षण पर्व जो हमारे चल रहे हैं इसमें हमको इस विषय पे और भली प्रकार से अपना चिंतन मनन को दृढ़ करना चाहिए, हमारी स्थिति क्या है। जो पंक्ति अभी कही, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया, क्या आचार्य देवों ने इतना महान कार्य किया, भव्य जीवों के लिए जिन सूत्र छोड़ के गए, लिख करके गए, रचनाएं हुई, लेकिन कभी उनको ये विचार नहीं आया कि इसमें कहीं तो उल्लेख कर दें कि इसके रचयिता कौन, कभी उल्लेख नहीं किया। मैं आचार्य समंत भद्र देव पर जो शोध प्रबंध कर रहा था तो उस समय आचार्य समंत भद्र देव की एक पंक्ति बारंबार मुझे स्मरण में होती थी, लोकेशणा से दूर रहने वाले स्वामी समंत भद्र का जीवन एक तरह से अज्ञात ही है। क्या कहा, लोकेशणा से दूर रहने वाले स्वामी समंत भद्र देव का जीवन एक तरह अज्ञात ही है। दिगंबर आचार्यों ने जहां जिन शासन के उद्घाटन के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, वहां कहीं भी अपनी बात कहने, अपना परिचय प्रस्तुत करने के लिए रंच मात्र भी उद्यम नहीं किया। वो याद रखे
कि हमने इतना महान कार्य किया, हमने सिद्धांत की स्थापना करने में दृढ़ता प्रस्तुत की, क्या कह रहे हैं, हमने कहना चाहिए जो गंगा नदी वीर भगवान महावीर स्वामी के मुख से निकली थी, मुकुंड से निकली थी, उसको सूखता हुआ देखा तो उसको संरक्षित किया, तो कम से कम कहीं तो नाम उल्लेख आ जाए। हाँ, कहीं तो नाम उल्लेख आ जाए। देखो ऐसा होता है, कदाचित मैं कोई काव्य रचना करूं और करी है तो लोग बोलते हैं ये इनका भजन है। किसका भजन? इनका भजन, बोलो आप। हाँ, ये इनका भजन। अभी ऐसे अपन भजन सुन रहे थे, धारा है दिगंबर विष, तो बोले ये विवेक जी का भजन। विवेक जी का भजन है कि दिगंबर मुनिराजों का भजन? भक्ति किसकी? भक्ति तो है उनकी, लेकिन मैं करता हूं, मैंने लिखा है, मैं इसको उद्घाटक हूं, ऐसी जो मान्यता है अनंतानुमंदी महान प्रसाद। आचार्य देव भगवंतों ने महान टीकाएं करने के बाद भी कभी ऐसा विचार नहीं किया, कभी मन में विकल्प नहीं आया कि इसके रचयिता मैं हूं। और ऊपर से वो तो ये कहते हैं कि ये वर्णों से, कल भी बात कही थी, वर्णों से क्या कहते हैं, अक्षर बन गए, अक्षरों से शब्द बन गए, शब्द से वाक्य बन गए, वाक्यों से ग्रंथों की रचना हो गई। इसमें मेरा क्या उद्यम है? मैं इसका रचयिता हूं, मैं इस टीका का करता हूं, ऐसा कहकर हे मोही जनो, हे जगत जनो, मोह में मत नाचो, मोह में मत नाचो। अमृतचंद आचार्य आत्मख्याति टीका के करता है, अमृतचंद आचार्य कहते हैं ऐसा कह के मोह में मत नाचो, क्योंकि हमने तो अपने मोह का वमन कर चुके हैं। क्या कह रहे हैं? और ये मोह ही है जो जीव को अनंत संसार और दुख में भ्रमाता है। मान महाविश्वरूप कर ही नीच गति जगत में। दस धर्म की पूजा में अपन प्रातः काल स्वाध्याय करते हैं, पूजा नहीं करते, स्वाध्याय करते हैं। पूजा का भी स्वाध्याय करो, भक्ति का भी स्वाध्याय करो, स्वाध्याय पूर्वक भक्ति करो। क्या कह रहे हैं? क्योंकि स्वाध्याय ही इस काल में सबसे उत्कृष्ट पदार्थ है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। देखो गजब की बात है, अष्टपाहुड़ में ऐसा लिखते हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी की जहां पर टीका चल रही है, उस टीका की व्याख्या में ऐसा लिखा, जब मुझे कुछ जिनवाणी के सूत्र आदि का ज्ञान हुआ तो मेरे अंदर में ऐसा मोह का मान का ज्वर उत्पन्न हुआ कि अहम, मैं कुछ हूं, अहम ब्रह्मोस्मी, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ज्ञाता हूं, अहम बुद्धोस्मी, मैं ज्ञानी हूं, ऐसा। लेकिन जब मैंने द्वादशांग का विस्तार देखा, वस्तु स्वरूप का विस्तार देखा, दिव्य धनी के तत्व का उद्घाटन देखा, तो मेरा वह मोह का जहर तत्क्षण ही उतर गया। क्या कर? तत्क्षण उतर गया। अभी हमारे को वास्तव में इन दस धर्मों के माध्यम से दिगंबर मुनि भगवंतों का स्मरण करना है, चिंतन करना है, कैसी उनकी मनोवृत्ति है, कैसी उनकी प्रवृत्ति है कि उनके गुणों की विशेषता होने पर भी गुणों के प्रदर्शन का विकल्प नहीं। क्या कर? गुणों की बहुलता है। धन्य दिगंबर मुनिराज, चलते फिरते सिद्ध की जिन्हें उपमा प्राप्त हुई है, उन्हें कभी ये भाव नहीं आता कि ये शरीर बाहर से अपवित्र हो रहा है, हैं? बाहर से अपवित्रता झलक रही है, लोग क्या सोचते होंगे। बाह्य वृत्ति मुनिराज की होती नहीं, जिसकी अंतः वृत्ति होती है उसके ही मार्दव धर्म प्रकट होता है। स्वभाव ही सरल है, आत्मा का जो स्वभाव है वो सहज है, सरल है, मृदु है। इसमें कठोरता क्यों आ गई? क्योंकि मैंने पर्याय बुद्धि की, पर द्रव्य में कर्ता भोक्ता बुद्धि को अपनाया। जबकि एक सूत्र आप सबने बड़े ध्यान से सुना होगा और पढ़ा भी होगा, हम जो विकल्प सोचते हैं कि मैं इस पर द्रव्य का ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ये कर दूं, ऐसा परिवर्तन कर लूं, इसका लालन पालन कर लूं, विकल्प जो होते हैं वह अपने लिए तो अनर्थकारी हैं और पर द्रव्य में अकिंचित करें, पर में कुछ कर सकते नहीं है और अपने लिए अनर्थकारी। क्या कह रहे हैं? पर में कुछ नहीं कर सकते। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परकृत परिणाम, ज्ञायक भाव रहूं अभिराम। पर का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लगता तो ऐसा ही है कि मैं ही करता हूं। थोड़ा सा अपनी पद्धति पे वापस आकर के पूछ लें, हम पर के करता हैं कि नहीं। हाँ,
क्योंकि देखो पूछना मुझे अपने से है, आपको अपने से पूछना, इसलिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पूछ के देखें, कभी अपने से भी बात किया करो। लेकिन जगत से बात करने का फुर्सत मिले तब तो अपने पास बैठे। दो घड़ी निजनाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी अंतर मुहूर्त काल के लिए जो अपने शुद्धात्मा के नजदीक आए, पर्याय दृष्टि छोड़ी, बाहर के सारे जगत प्रपंचों को छोड़ा, निर्गंत दिगंबर दीक्षा अंगीकार करने के बाद में भावलिंग स्वरूप आराधना करते हुए दो घड़ी शुद्धात्मा में जो निमग्न हो गए, अंतर मुहूर्त के लिए निमग्न हो गए, ऐसे भरत चक्रवर्ती पहले 6 खंड के अधिपति थे, कहने में आता था, अब वो अखंड साम्राज्य के स्वामी बन गए। दो घड़ी किया ना, दो घड़ी कहां पर आकर के बैठे, अपने निकट। तो वास्तव में जो इस विषय की बड़ी सुंदर व्याख्या है, जैसा कल हम सभी ने और आपने पढ़ा था, टोडरमल जी साहब के आधार पे इस मान कषाय के स्वरूप की थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ करते हैं। तीसरा अधिकार है मोक्षमार्ग प्रकाशक का, चारित्र मोह के दुख और उससे निवृत्ति के उपाय। क्या विषय चल रहा है? चारित्र मोह के दुख और उससे निवृत्ति के उपाय। पहले निर्णय कराया जाता है दुख का, जब दुख का निर्णय होता है तो फिर निवृत्ति के लिए उपाय बताए जा सकते हैं। जैसे कोई मरीज वैद्य के पास जाए तो उसको ये अनुभूति में होना चाहिए या अनुभव में होना चाहिए कि मैं बीमार हूँ। आपको मालूम है जो मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट होते हैं ना, वो अपने को कभी बीमार मानते ही नहीं। उनको ऐसा लगता है मैं बीमार नहीं हूं, मुझे जो बीमार कह रहे हैं वो लोग बीमार हैं, उसको ये लगता ही नहीं मैं बीमार हूं। इसलिए वो इलाज कराने को तैयार नहीं होता। और पहले निश्चय करना कि मुझे दुख है कि नहीं है, तो यहाँ हेडिंग ही चालू की चारित्र मोह से दुख और उसकी निवृत्ति। तो हमको निर्णय करना है कि मुझे दुख है कि नहीं, कषाय दुख की हेतु है कि नहीं, क्योंकि यदि कषाय दुख की हेतु भाषित होंगी तो फिर तत्व विचार के माध्यम से उसका समाधान निकालेगी। लेकिन मान की तो ऐसी स्थिति है इस मनुष्य पर्याय में, राजचंद जी साहब तो बोल चुके हैं कि मान नहीं होता तो फिर मोक्ष तो यहीं पे था। क्या कह रहे? पर्याय बुद्धि के कारण से एक एक पर्याय का कर्तापना बैठा हुआ है। हाँ, आपको पता है एक बहुत बड़ा हॉल हो और उस हॉल में कहीं पिलर नहीं हो, सिर्फ कॉर्नर पे 4 पिलर हो और 1000 फिट 2000 फिट का बड़ा हॉल हो, पिलर कहीं नहीं हो, उस पिलर पे जो छिपकली लेंटर के ऊपर चलती है ना, लेंटर के ऊपर कैसी चलती, उल्टी, लेंटर के ऊपर उल्टी चलती ना छिपकली, उस छिपकली को ऐसा लगता है ये पूरे लेंटर का भार मैंने उठा के रखी, क्योंकि पिलर तो है ही नहीं कहीं, पिलर तो दीवार में है तो दिख ही नहीं रहे, उसको लगता मैं ही उठा के रखी, तो छिपकली की ये जो मान्यता है, ये इसको आप क्या कहोगे, सही है कि गलत? ये पूरा लेंटर का बोझ मैंने उठा के रखी हूं, मैं नहीं होती तो ये गिर जाता, धराशायी हो जाता। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये छिपकली को आप क्या मानोगे, मानसिक रोगी मानोगे कि नहीं मानोगे? अरे बोल दो, छिपकली की बात है, अपनी थोड़ी ना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपनी बात करेंगे तब फिर विचार कर लेना। वास्तव में ये तो दृष्टांत है, हमें भी ऐसा ही कुछ लगता है, मैं घर को चलाता हूँ, परिवार को चलाता हूँ, समाज को चलाता हूँ, देश को चलाता हूँ, अरे इस देह की भी संचालन मैं करता हूँ, ये देह मेरी इच्छानुसार परिणमित होता है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, कभी बाल सफेद हो जाए तो आप काले तो कर सकते हो ना कि नहीं कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो कि नहीं? अच्छा, करते हो कि नहीं? कर सकते तो नहीं है पर करके देखते हैं कि नहीं। एक बार का मुझे प्रसंग याद आया, किसी विद्वान को किसी भरी सभा में किसी वृद्ध जन ने इस बात के लिए टोक दिया था। क्या कह रहे? कि तुम पर्याय को तो बता रहे हो हीनता, पर्याय की हीनता, और स्वयं तुम बाल डाई करके बैठे हो। अगर तुम्हारे भाग्य से तुम्हारे बाल सफेद हो गए थे तो ये तो अच्छे शुभ लक्षण थे, अब तुम्हारे मस्तक से कालीमा हटने लगी थी पर तुम्हें कालीमा ही पसंद है तो तुम उसी को अवधारण करते हो, बार बार बाल काले करते हो। आपको पता है मंदिर में माताएं बहनों को जो कहा जाता ना कि
आप सिर ढाक के बैठो, लंबे लंबे काले बाल होते तो सर ढाक के बैठो, ये कोई अच्छा लक्षण थोड़ी ना है खुले बाल खुला सर बैठने का। ऐसे पुरुष वर्ग में भी बात होती, पहले समय में टोपी पहन के बैठते थे, वो टोपी का मतलब कोई स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन नहीं समझना चाहिए, वो एक विनय भक्ति का परिणाम कहा जाता था। परंपराएं धीरे धीरे घटने लगी, घट रही हैं। क्यों घट रही हैं? क्योंकि मान कषाय बढ़ रही है, सरलता नहीं बढ़ रही, धर्म को अंगीकार करने का परिणाम नहीं रह रहा, तो मान कषाय हावी होती है। थोड़ा सा ज्ञान ना हो और ऐसा छलके जैसे कि बहुत कहना चाहिए बाढ़ आ गई, बाढ़। लौकिक में एक कहावत आपने सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप पई जाए। सुनी आपने, अधजल गगरी छलकत जाए, जैसे कोई घड़ा हो उसमें पानी थोड़ा कम हो आधा हो तो उसको लेके जाओ तो छलकती हुई जाती, और यदि वो पूरी भरी होगी तो उसका पानी नहीं छलकता, क्योंकि आधी भरी है तो अंदर बहुत उथल पुथल मची रहती, उथल पुथल इधर हिले डुले तो वो यहां वहां भागे और जब समाए नहीं तो बाहर गिर जाए। क्या कह रहे, ज्ञान का कभी भी घमंड नहीं होता। अभी अपन 8 प्रकार के मद की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, पर पहले टोडरमल जी साहब इस मान कषाय के विषय में क्या उसका निरूपण करते हैं, उस विषय को पढ़ते हैं। तीसरा अधिकार है मोक्षमार्ग प्रकाशक का, पेज नंबर 53 है, और पेज नंबर 52 पर एक ऐसा अकाट्य सिद्धांत दिया है जो आप और हम सबके स्मरण में है, श्रद्धान में आ जाए तो मान कषाय टिकने वाली नहीं, वो हम इसके बाद में पढ़ेंगे। 52 नंबर पेज पे कौन सा अकाट्य सिद्धांत है, पर 53 नंबर पेज में चारित्र मोहिनी के उदय से जो मान कषाय होती है वो कैसी होती है। जब इसके तथा का मतलब है पहले तो किया गया था क्रोध कषाय का वर्णन, अब उसके बाद मान कषाय की चर्चा प्रारंभ की। तथा जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। किसकी बात चल रही है, इसकी मेरी, किसकी बात चल रही है, हाँ मेरी। ये हमेशा ध्यान रखना, 10 लक्षण धर्म में महिमा गाए जाए तो अपनी, और जहां विकारों की चर्चा की जाए तो वो विकार आत्मा में तो नहीं है पर पर्याय बुद्धि के कारण वो विकार लगे हुए हैं, तो विकार भी मेरे कहेंगे, मेरे कहोगे तो छोड़ने का भाव आएगा। क्या कह रहे हैं, कहना है मानना नहीं है, आत्मा विकारी नहीं हुआ लेकिन इतना निर्णय करना पड़ेगा अनादिकाल से विकार रूप अवस्था क्यों हो रही है, क्योंकि स्वभाव को देखा नहीं, परम पवित्र स्वभाव का स्पर्श नहीं किया, उसको देखा नहीं, उसका अवलोकन नहीं किया, उसे लक्ष्य में नहीं लिया, इसलिए अवस्था निर्मित हो रही। तो देखिए क्या लिखा है, जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तो औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है, और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। क्या क्या उपाय सोचता है, अपन ऊंचा दिखें और दूसरे का नीचा दिखाना है तो क्या क्या उपाय सोचता है। कोई व्यापारी को अपना व्यापार बड़ा दिखाना हो तो क्या उपाय सोचता है, क्या क्या नहीं करता है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि माल अच्छा भरेगा, दुकान को सजाएगा, इतना ही नहीं है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, जैसे किसी ने आकर के पूछ लिया कि जैन साहब आपकी दुकान में जो सामान मिल रहा है थोड़ा महंगा लगता है, वो बाजू वाले क्या भी है उसके यहाँ तो रेट कम है, तो आप क्या कहोगे, क्या उत्तर देने वाले, भैया वो डुप्लीकेट माल रखता है, दिल्ली का माल लाता है, हाँ ओरिजिनल माल तो हम रखते हैं, हम है असली विक्रेता, वो तो फ्रॉड है। क्या कह रहे, अपने को ऊंचा दिखाने की बात करता है और दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। वास्तव में जब तक जीव को जीव की दृष्टि से नहीं देखेगा तब तक मान कषाय चलने ही वाली, जीव को जीव की दृष्टि से। अब आप एक बात समझ लेना, जीव शब्द कहने में निगोदिया से लेके सिद्ध तक गर्भित हो गए, जीव शब्द में। क्या कह रहे, सब जीव है, इस दृष्टिकोण से देखे तो कोई भेद नहीं, लेकिन किसी जीव को, अब सिद्ध भगवान तो राग देश से रहित हैं तो परम उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हो गए, तो वह तो विनय के पद पे पहुंच गए, योग्य हो, लेकिन जो संसार अवस्था में जीव है अगर इनको जीव दृष्टि से नहीं देखेगा तो बस यहां मान कषाय प्रारंभ हो जाएगी। कैसे चालू हो गई, ये नीचे है मैं उच्च हूं, हाँ अब उसमें 8 प्रकार के मद लगा लेना, पिता का मद, माता का मद, पिता भूप व मातुल नप जो होए न सो मद ठाने, मदना रूप को मदना ज्ञान को धन बल को मद भाने। क्या कह रहे, मद को मदना मद जो प्रभुता को,
करे ना सो निज जाने, यानी आप समझना आठ प्रकार के मदों में जिस चीज की चर्चा की गई है ना उससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है। मेरे पिता को आप पहचानते नहीं हो साहब, मेरे पिता का पावर क्या है, नाम चलता है। अभी मुझे याद आती है एक अहमदाबाद की एक घटना सोशल मीडिया पे बहुत हाईलाइट हुई थी और उसको टीवी में भी दिखाया गया था न्यूज चैनलों में। क्या हुआ था कि कोई एक नेता का लड़का लॉकडाउन में और नेता के नाम की गाड़ी लेकर के रोड पे निकल गया लॉकडाउन, और किसी पुलिस लेडी पुलिस ने उसको रोक लिया। क्या कहा, लेडी पुलिस ने उसको रोक लिया और उसने बोला कि तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तुम इसमें बैठे हो, तुम्हारे को अधिकार नहीं है, ये गाड़ी तो तुम्हारे पिता की है। वो लड़ बैठा, किस बात को लड़ बैठा, तुम नहीं जानती हो कि मेरे पिता कौन है। क्या कह रहा है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं मुझे रोकने का, तुम जानती नहीं हो, एक मिनट में मैं तुम्हें सस्पेंड करा सकता हूँ, नौकरी से निकाल सकता हूँ। बात ख्याल में आती है, ये जो मद का परिणाम है ना, मेरे पिता ऐसे हैं, मेरे मामा की बहुत अप्रोच है। क्या कह रहे हैं, मेरे मामा की बहुत अप्रोच है, सीधे डायरेक्ट बात करते हैं नेताओं से। गजब की बात है, जिस दिन मामा जी नहीं रहेंगे तो नेताओं को भी फुर्सत नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, किसी का क्या चलता है इससे कोई लेना देना होना चाहिए नहीं। हाँ, हमें अपनापन का और अपने स्वभाव की खबर होनी चाहिए, मेरी सामर्थ्य क्या है। अपनी सामर्थ्य से आगे जो भी सोचोगे वो मान कषाय में ही जाने वाला है। यदि अपने को पर्याय दृष्टि से मनुष्य देखोगे तो भी मान कषाय है, और अपनी इस मनुष्य पर्याय में थोड़े ज्ञान अधिक होने पर अपने को ज्ञानी मान के बैठ जाओगे, इंद्रिय ज्ञान को छेउपसम ज्ञान से ज्ञानी मानोगे तो भी मान कषाय। क्या कह रहे हैं, तो देखो क्या कहते हैं टोडरमल जी साहब, औरों को नीचा और अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। आप अपना अपना अन्वेषण हर जीव को करना चाहिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ये अपनी अज्ञानता नहीं है तो और क्या। अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, जबकि अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा करने से नीच गोत्र का बंद होता है। तत्वार सूत्र में सूत्र आया, अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा करने से। अब अपनी प्रशंसा कैसे करे, जगत तो कभी किसी की प्रशंसा को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं, जगत की वृत्ति ऐसी है वो दूसरे की प्रशंसा देख ही नहीं सकता। संसारी जीव को बहुत तकलीफ है, कोई बड़े आगे ना तो वो उसको देख नहीं सकते पढ़ते हुए, उसमें बहुत हस्तक्षेप किया जाएगा, बहुत हस्तक्षेप होगा। क्यों, ये बढ़ गया तो हम छोटे हो जाएंगे, वो ये नहीं सोचते हैं ये यदि बढ़ रहा है और हम इसका मार्ग पकड़ लें तो हम भी बड़े हो जाएंगे। ऐसी अवस्था जीव की चलती है, उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। अब वो अनेक उपाय बहुत सारे हो सकते हैं जिसकी हम चर्चा नहीं कर सकते। अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है। हाँ, मैं कहता हूं सही तरीका क्या है, कोई की उन्नति हो रही हो तो वो तो उसके पुरुषार्थ से और उसके उदय प्रमाण है ना, जो भी हो रहा है प्रोग्रेस उसके उदय प्रमाण और उसके पुरुषार्थ से है। तो उस समय हमारा कर्तव्य क्या है कि हम भी पुरुषार्थ करें, उदय का विचार नहीं करें, पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करेंगे तो कार्य की सिद्धि होती हुई दिखेगी, लेकिन वहां पे उपयोग वहां तो ना जाए और इस दृष्टिकोण पे जाए कैसे इसको खींच लें, अपन तो नहीं बढ़े इसको नीचे उतार। क्या कह रहे, एक बार एक दृष्टांत मैंने कहीं पढ़ा था कि मनोवृत्ति मान कषाई जीव की कैसी होती है। एक बर्तन में, एक तसले में, कहना चाहिए बड़ा कहना चाहिए बर्तन है, पात्र है, उसमें बहुत सारे केकड़े थे, केकड़े। अब वो केकड़े संख्या में तो इतने हैं कि वो एक के ऊपर एक चढ़े तो एक एक करके बाहर निकल सकते हैं, लेकिन समस्या ये हो रही है कि जैसे ही वो उस बर्तन की दीवार पे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं दूसरा केकड़ा पकड़ के उसको खींच लेता, बढ़ने नहीं देता, नीचे 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 आओ नीचे आओ। वो ये नहीं जान रहा है तुझे नीचे करने में सबका मरण होने वाला है। क्या कह रहे हैं, और यदि थोड़ा एक दूसरे को धक्का देके आगे बढ़ा ले तो बचने के अवसर हो सकते थे, परंतु मान कषाय की स्थिति ऐसी है, अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, अनेक प्रकार के औरों की महिमा मिटा देता है। आप समझना किसी ज्ञानी गुरुजन की
आचार्य भगवंतों के द्वारा रचित पद्य हैं, काव्य हैं, ग्रंथ हैं, लेखन हैं, आपने कहीं पढ़ा और पढ़ करके किसी को सुनाया और किसी ने पूछा ये किसका है और आपने कह दिया ये मेरे ही विचार में आई थी बात, क्या कह रहे हैं? तो समझ लेना, ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा तीव्र बंध होगा कि ज्ञान चेतना का विकास ना हो पाए। गुरु वचन ना छुपाइए, गुरु नाम ना छुपाइए, जिनसे मार्ग मिला है उनका नाम नहीं छुपाना, उनके प्रति ऐसा भाव नहीं लाना कि अपन अपनी प्रशंसा कर ले, कौन पूछने आ रहा। क्या देखिए क्या लिखते हैं, अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाना चाहता है, ऐसा एक परिणाम भरत चक्रवर्ती के भी जीवन में देखने को मिला था। जब वह चक्र रत्न की उपलब्धि के बाद, दिग्विजय के बाद में और पहुंचे थे पर्वत के ऊपर नाम लिखने, तो कहीं शिला पर नाम लिखने स्थान नहीं मिला, तो पहले मान कषाय का वेग आया तो नाम हटा के मिटा दिया और अपना लिख लिया, और जब फिर ज्ञान ने अंदर से आवाज दी, क्या करते हो, ये क्या किया तुमने, अरे जब इस शिला पटों पर सारे चक्रवर्तियों के नाम उत्कीर्ण हैं और इतनी बड़ी शिला पट पे कहीं पर भी तुम्हें नाम लिखने का स्थान नहीं है, तो विचार करो जिनके नाम पहले लिखे हैं उन्हें कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, कोई पूछने जा रहा है? आज जो भोजनशालाओं में या किसी धर्मार्थ क्षेत्रों में बड़ी बड़ी फोटो टंगी रहती है, दानवीर, इनने इतना दिया, इनने इतना दिया, कोई को फुर्सत है देखने की है? अरे फुर्सत तो छोड़ो, उसके ऊपर से जाला हटाने की फुर्सत है किसी को? हाँ, तो ये मान कषाय में ऐसे ही होने वाला है, धूल चढ़ने वाली और जाला ही लगने वाला है, क्या कह रहे हैं ये इसकी ऐसी स्थिति होने वाली। देखो, अपनी महिमा करता है, औरों की महिमा मिटाता है और अपनी महिमा करता है। महाकष्ट से जो धनाधिक का संग्रह किया उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है। पैसा कमाना सरल काम है कि कठिन काम है? क्यों साहब, उदय की तरफ से बात करेंगे तो जो जितना उदय प्रमाण है वो मिलने वाला है, लेकिन मेहनत की तरफ से बात कहें तो हम पूछते हैं सरल काम है कि कठिन काम। और आज के परिवेश में बोले तो लोगों के मुंह से एक ही बात निकलती है, साहब बहुत स्थिति खराब है, मार्केट बहुत टाइट चल रहा है, जरा भी इन्हें कहना चाहिए व्यापार धंधा नहीं है। तो मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, इतने फुर्सत में हो तो तीन टाइम स्वाध्याय में क्यों नहीं दिख रहे, धंधा नहीं चल रहा तो कर क्या रहे हो वहां बैठ करके, पूजा में क्यों नहीं दिखते, भक्ति में क्यों नहीं दिखते, स्वाध्याय में क्यों नहीं दिखते, वहां तो कुछ चलता नहीं है और यहाँ पर तू आना नहीं चाहता है, क्या कह रहे हैं, वहां चलता नहीं और यहाँ आने की फुर्सत नहीं, ये कैसी विरोधाभास वाली बात, व्यापार नहीं चल रहा सा, बहुत स्थिति खराब, चातक वत बैठा है लाभ की दृष्टि से, चातक वत, हाँ एक आ जाए, एक व्यापारी आ जाए, एक ग्राहक आ जाए तो उसको ऐसा है देवता आ गया। कहा था ना दुकानों में स्टिकर लगा के रखते हैं, किस बात का, ऐसा लगेगा जैसे बहुत नरम दिल व्यक्ति हैं, बहुत सरल भाव वाले हैं, दुकान मेरा मंदिर, ग्राहक मेरा देवता, ग्राहक का संतोष यही मेरी पूजा है, और ग्राहक जो दे जाए वही मेरा प्रसाद होगा, एक आध वाक्य इधर उधर हो रहा होगा, कोई तकलीफ नहीं, क्या कह रहे हैं, पर ऐसा कुछ भाव लिखते हैं, बात तो ऐसी लिखती जैसे बड़े विनयवंत होकर के बात है, लेकिन अंदर में परिणाम क्या चल रहा, क्या परिणाम चल रहा, ये प्रसन्न हो जाए तो मेरे काम की सिद्धि हो जाए, हाँ मेरा काम बन जाए, ऐसा अंदर में परिणाम चलता। देखो क्या लिखा, अपनी महिमा करता है, महाकष्ट से जो धनाधिक का संग्रह किया उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता। आज दोपहर में भी इस बात पे संकेत किया था, शायद दोपहर में या सुबह, क्या कहा था, विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है दुनिया को दिखाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए। आज जो शादी विवाह में मेन्यू बनते हैं ना, मेन्यू, हाँ इतने स्टॉल लगाएंगे, इतने वैरायटी रखेंगे, मैं ईमानदारी से पूछता हूँ ये किसी का विवाह है कि अकाल पीड़ित लोगों को बुलाया गया है, ये क्या जन्म जन्म के भूखे लोग हैं कि जितनी भोजन सामग्री उनके सामने रखनी पड़ेगी। वो गजब की बात है, वहां पे आपकी विषय लोलुपता प्रदर्शित होती है, विषय लोलुपता, खाना तो थोड़ा सा है लेकिन व्यंजनों का राग ऐसा है, एक स्टॉल पे गया फिर ये लिया फिर वो लिया फिर इधर गया फिर उधर गया फिर, मतलब
घर में तो कभी चैन से 10 मिनट बैठ के भोजन नहीं कर रहे हो, वहां 2.5 घंटे 3 घंटे फिरता है यहाँ, और जगत को दिखाने के लिए वो प्रयोग भी ऐसे करता है। विवाह आदि कार्यों में इतना व्यय करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज एक स्टैंडर्ड की भोजन की थाली किसी विवाह में हो तो लगभग कितने की होगी? मिनिमम, मैक्सिमम की तो मुझे नहीं पता, पर मैं मिनिमम कहूँ तो भरत भाई बोलते कम से कम 300 रुपये थाली से कम तो नहीं होना चाहिए, 300 रुपये। मैंने तो 700, 1000, 1200, 1500, मुझे ऐसा लगता था कि शायद चांदी की थाली में भोजन रख के थाली भी भेंट कर देते होंगे तो उसका मतलब है 1200 रुपये की थाली। तो पता चला कि थाली तो भैया वही है जो हजारों लोगों ने झूठी की है, ना केवल मनुष्यों ने, जहां वहां पड़ी थी तो वहां पे स्वजन भी चाट गए थे और स्वजन भी चाट गए थे दोनों। मैंने क्या कह रहे हो आप, स्वजन और स्वजन मतलब ये दोनों शब्द जो है ना, अगर वो शक्कर का स्वा वाला स्वजन हो तो वो हो जाता है कुत्ता, और आधा सा हो सड़क का सा हो तो वो हो जाते अपने प्रिय लोग। स्वजन और स्वजन दोनों चाट के गए, क्या कह रहे हैं? और उसको ऐसा लगता है जितना करूंगा उतनी प्रसिद्धि होगी। मैं तो ये कहता हूं, अगर आपको ना वास्तव में अपने इस परिणाम के बारे में पता लग जाए ना कि लोग क्या सोचते हैं, तो आपको खेद खिन्नता बहुत होगी। क्या कह रहे हैं? बहुत खेद खिन्नता होगी। किस बात को लेके? हमको ऐसा लगता है हम इतना अच्छा आयोजन करें, इतना लोगों को प्रफुल्लित करें, इतना माल खिलाएंगे तो ये हमारी प्रशंसा करेंगे। कोई प्रशंसा नहीं करता, खा खा करके भी अपशब्द ही बोलते हैं। भैया खूब अनाप शनाप पैसा है, 2 नंबर का माल है, क्या कह रहे हैं? खर्च भी कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है, सब 2 नंबर का है, घपले का पैसा है। आप ये समझ लेना, न्याय नीति के धन का उपयोग करोगे ना तो बाहर में वो लगेगा भी किसी को और उसकी भावनाएं भी फलीभूत होंगी। इसलिए तो सोले का जो भोजन बनाया जाता है ना, उस सोले के भोजन में एक भाव शुद्धि होती है, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। तो भाव शुद्धि का मतलब क्या है? किस विशुद्ध परिणाम से बनाया गया, व्यंजनों की मात्रा से कोई लेना देना नहीं है, मर्यादित बने और भावपूर्वक बनाया जाए। अरे साधर्मी को भोजन कराया, ये इसकी आराधना में कार्यकारी होगा, ये इसकी तप की वृद्धि का कारण बनेगा, ऐसा सोच करके सूखी रोटी और उबली लौकी भी खिला दे तो कहना चाहिए आहार दान की महिमा का फल प्राप्त होने लगे उसे। और यहाँ पे हजारों व्यंजन भी कराए लेकिन मान कषाय का पुष्टकरण करने के लिए करता है, एकमात्र निंदा हाथ में आने वाली है, और इस निंदा के साथ साथ जो महाहिंसा और महापाप अपराध हुए हैं उसका फल भी भोगने को तैयार रहना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं कोडमल जी साहब, महाकष्ट से जो धनाधिक का संग्रह किया उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार करके अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा, लोग हमको पूछेंगे इनने इतना दान किया था, इनने इतना काम किया था, इस चक्कर में मरने को तैयार है, मरना भी नहीं गिनता। मुझे एक ध्यान आती घटना, पता नहीं मैंने आपसे कही कि नहीं कही, मैं एक बार गया था शायद ग्वालियर, और ग्वालियर में मैं जिस परिवार में ठहरा था वो थे मूलतः गुप्ता, मतलब उनके घर कन्वर्ट हो गए थे पर थे गुप्ता समाज से, वो गुप्ता सरनेम था उनका, पर उनकी माताजी पूरी दिगंबर धर्मावलंबी थी अपनी, और अपने शुद्ध विधि से उनका जीवन यापन वो अपनी करती थी, धर्म अनुसार करती थी। तो हुआ क्या प्रसंग कि उनके यहाँ ऊपर के कमरे में जो उनके बेटे का कमरा था उसमें हमको ठहरा दिया, दूसरे तीसरे फ्लोर पे। अब वो सिर्फ माता जी को इस धर्म की रुचि लगी थी, बाकी तो परिजन वैसे ही सोच दृष्टिकोण के थे जो उनकी मान्यता थी। तो मैंने देखा उस कमरे में एक बहुत बड़ी फोटो लगी, बहुत बड़ी फोटो किसकी, उनके ही लड़के की, और लड़के की उम्र होगी 35 साल, और ये घटना मैं बता रहा हूँ 10-15 साल पहले की, 15 साल पुरानी बात। तो उस समय उसकी वो फोटो लगी थी गोल्डन फ्रेम में जड़ी हुई, बहुत बड़ी फोटो। तो मैंने देखा कि ये लड़का तो यहाँ घूमता फिरता रहता और इसकी फोटो टंगी इतनी बड़ी, क्या कह रहे? तो मुझसे रहा नहीं गया, 2-3-4 दिन बाद जब सामान्य चर्चा वार्ता चालू होती ना, पहले दिन तो होती नहीं, एक तो उसके मन में ये मालूम है कि ये जैनी है और हम इस समाज के हैं, यानी उसके मन में तो ये भेद तो चल रहा था ना, तो ये हमारे नहीं है, हमारे नहीं, भले हमारी माता जी भले पकड़ के बैठी हूँ अलग बात, हमारे नहीं है, परंतु लौकिक व्यवहार था तो व्यवहारिकता के नाते पूछने आ जाए, पानी चाहिए हो तो आप बता देना, कुछ जरूरत हो तो बता देना, मम्मी ने कही है कि पूछ के आ जाओ,
ऐसा पूछने आता था। अपन प्रेम से उत्तर देते थे, भैया कोई दिक्कत नहीं, सब व्यवस्था आपने दी है, कुछ लगेगा तो करेंगे। रहते रहते 3-4 दिन बीते, एक दिन वो कमरे में आया, वो बैठा रहा थोड़ी देर, यहाँ वहां की चर्चा करता रहा। मैंने कहा ये फोटो तो बहुत सुंदर दिख रही है, किसकी है? मैंने पूछा ये फोटो किसकी है? तो बोले पंडित जी मेरी है, वो तो थोड़ा सा अभी रंग सांवला हो गया, नहीं तो मैं दिखता तो ऐसा ही था। अच्छा, नहीं मैंने कहा दिखते तो आप अभी भी इससे अच्छे हो। मैं इसके लिए नहीं कह रहा, मुझे ये लग रहा है ये फोटो जो बनी है इसका उद्देश्य और पर्पस क्या है, मतलब किस उद्देश्य से फोटो बनाई, क्योंकि जिस ढंग की ये फोटो है, ये फोटो तो माला चढ़ाने वाली पैटर्न की फोटो दिख रही है क्या, मतलब जो बनती है ना उस तरह की, वैसी थी फोटो। अब वो हो गया था थोड़ा अच्छा, प्रेम से चर्चा होती थी तो पूछ लिया, पूछने में क्या है। तो वो बोल दिया आपने पकड़ी तो सही बात है, हुआ क्या था, बोले किसी ज्योतिष ने मुझे बताया था कि इस तिथि पे तुम्हारा देह छूट जाएगी, तुम्हारा मरण होने वाला है, मतलब उसने मुझे 1 साल पहले बता दिया था। तो मेरे मन में विचार आया कि जब किसी की मरण होता है तो उस समय ऐसी हड़बड़ी रहती है कि अच्छी फोटो नहीं बन पाती, कैसी भी फोटो बना के टांग दी जाती, फिर वो जिंदगी भर वैसे ही टंगी रहती है। तो मैंने सोचा कि जब मेरा मरण होना तय है तो कम से कम अपने हाथों से एक अच्छी फोटो तो बना दो, जिंदगी भर लोग देखेंगे तो याद तो करेंगे। तो मैंने बढ़िया मेकअप किया और बढ़िया फोटो बना के टांग दी। मैंने कहा वो डेट आ गई है कि निकल गई? बोले साहब डेट तो निकल गई, मैं मरा ही नहीं। क्या कह रहे हैं, मैं तो मरा ही नहीं, डेट निकल चुकी है। गजब की बात है, मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार करके अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है, लोग याद करेंगे, देखो साहब इनने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणि सतभामा अर संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल अर सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, ओ दयाल उपदेश करें गुरु 12 भावन को। कहां गए? अपने अपने परिणाम अनुसार गए। इसकी व्याख्या अपन ने की थी जब अपन ने मंगत राय जी की 12 भावना का स्वाध्याय किया। कहां गए मतलब जीव अपने परिणाम अनुसार जाता है, ये मान कषाय का परिणाम होगा तो नरकादि गतियों में त्रियंच गति में जाके पड़ा रहेगा। हाँ, बहुत छाती पे हाथ रख के दम भरता था ना, दिखा देंगे, आप क्या समझते हो हमारी सामर्थ्य कम समझते हो? हैं, ये सीना कितना है, 56 इंच का सीना है, 56 इंच का। ऐसे परिणाम में जाकर के त्रियंच गति में सर्प बन गया, और वह सर्प की पर्याय में जाता है और जमीन पे घसीटता है। ये सीना तानता था ना, अब घसीट के चलना पड़ता है। नाक ऊंची करने का बहुत विकल्प था, त्रियंच गति में हाथी की पर्याय में चला गया, अब नाक घसीटती है जमीन, उठा उठा के परेशान है, आप उसके कष्ट की कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपसे कहूं शिखर जी की वंदना करने जाओ और थोड़ा सा एक बैग में सामान रख लिया था, बच्चों के लिए नाश्ता पानी और कुछ सामान कंधे पे टांगा था, बोझ लगता है कि नहीं लगता? कितनी बार उसको बदलते हो, अरे और दूसरी छोड़ो, जो लकड़ी सहारे के लिए लेके जाते हो थकान के बाद, वो लकड़ी बोझ लगने लगती है, लगती कि नहीं लगती है? कुछ लोग तो रस्ते ही में छोड़ के आ जाते, नहीं अकेले ठीक है भैया, नहीं संभलती। गजब की बात है, मान कषाय में नाक ऊंची करने के चक्कर में इतनी लंबी नाक मिल गई, अब थक जाए पर संभलती नहीं। क्या करो, विचार करके देखना, ये मान कषाय के स्वरूप की चर्चा टोडोमल जी साहब कर रहे हैं, और ये मान की व्याख्या नहीं चल रही है। क्या कह रहे हैं, ये कषाय का विकार दिखाया जा रहा है, पर देखना है निर्विकारी आत्मा को। अरे आत्मा में तो कहीं मान का स्थान ही नहीं है, क्यों? मान जब भी होता है वह अपूर्णता की दशा को अपना मानने से होता है, पूर्णता लक्ष्य में हो तो मान होता ही नहीं। अपूर्णता को अपना मानोगे तो मान होगा। नाम आते हैं 8 प्रकार के मद में, ज्ञान का मद,
जबकि आज तक ज्ञान का कभी मद नहीं होता, जब भी मद होता है अज्ञान का ही होता है। जिसको ज्ञान होता है वो तो विनयवान होता है, वो तो बहुश्रुत भक्ति का धारी होता है। क्या कह रहा है? वो तो भगवंतों के प्रति भक्ति का, विनयवानता का परिणाम रखता है। बार बार उस बात को स्मरण करना चाहिए। समो शरण में अत्यंत विनय के रूप में खड़े होते गणधर परमात्मा, चार ज्ञान के धारी हाथ जोड़ करके खड़े हुए। तीर्थंकर परमात्मा के सामने बैठने का भाव नहीं आता। और उनका जो ज्ञान है, जो अंतर मुहूर्त काल में द्वादशांग की रचना कर सकते हैं, जिनवाणी गूथ सकते हैं, जिनकी ऐसी सामर्थ्य है, उनको इतना तो आना चाहिए कि यदि मैं नहीं होता तो ये दिव्य धनी आगे कैसे जाती। गौतम गणधर को तो आना था ना, जब तक आया था तब तक समोशरण में नहीं आ पाया, और जब मान गल गया तब भगवंतों के दर्शन का लाभ प्राप्त। मंदिर में भी जाओ तो निस्सही, निस्सही का अर्थ है सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध, मान कसाय को बाहर छोड़ के जाना। कल बात कही थी, दस लक्षण में संयम की आराधना के पर्व है, मंदिर में कैसे जाना? मंदिर में श्रृंगार करके सज सवर के जाओगे तो देखने का भाव नहीं होगा, दिखाने का भाव चलेगा। लोग मुझे देखें, लोग मुझे देखें, लोग मुझे देखें, आप समझ लेना। ऐसे जाना जैसे सीता जी जाती थी, ऐसे जाना जैसे अंजना जी जाती थी। विचार करके देखना, ये दृष्टांत के तौर पर बात कही है, पर हमको समझने की बहुत आवश्यकता है। हम वहां पे भगवंतों के दर्शन को जा रहे हैं कि प्रदर्शन करने को जा रहे हैं? एक महिला ने सोने के कंगन बनाए, पूरा अपना संपत्ति वैभव लगा कर, दस लक्षण पर्व आ रहे थे तो सोने के कंगन, चार कंगन बनवाए, और चार कंगन बनाए और उसमें पैसा बच गया था तो रतन भी जड़वा लिए। अब वो रतन जड़े कंगन पहन के दस लक्षण पर्व में गई मंदिर, क्या कह रहे हैं? तो उसको निश्चित ये आशा और उम्मीद थी कि कोई ना कोई तो पूछेगा कि कंगन तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन उसका दुर्भाग्य कहें कि किसी ने पूछा ही नहीं, कोई माता बहनों ने ध्यान ही नहीं दी, क्योंकि उनको ऐसा लगा ये तो सामान्य परिवार से इसकी हैसियत होगी कि बेंटेक्स पहनी होगी, क्या कह रहे हैं? तो कोई ने पूछा ही नहीं, अब क्या पूछना बेंटेक्स के लिए। अब उसके तो तकलीफ बहुत, अंदर में मान की अग्नि में जल रही, घर आ गई, रास्ते में सोचा कि कोई देखे तो कैसे करे वो, क्या कह रहे हैं? भगवान के दर्शन भी करे तो ऐसे करके बार बार कि थोड़ी खनक जाए तो नजर तो पड़े किसी की, तो देखे तो नहीं कोई, बड़ी तकलीफ है। मानकरण को कौन ठिकाना, दस लक्षण की पूजन में लाइन है, मानकरण को कौन ठिकाना, कोई नहीं देख रहा, अंदर ही अंदर बड़ी दुखित हो रही थी। आखिरी में उसको एक उपाय सूझा, एक काम करें, लोगों का आकर्षण अपनी ओर करने के लिए कुछ ना कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा, तो अपने घर में आग लगा दी ताकि भीड़ इकट्ठी हो जाए, और आग लगाई तो सब दौड़ दौड़ के बाल्टी पानी ले लेके आ रहे बुझाने के लिए, हैं? बुझाने के लिए आ रहे। अब वो पूछ रहे कैसे आग लगी, कैसे आग लगी, तो वो कहती ऐसे 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 लगी, वो उधर से चालू हुई, इधर से चालू हुई, उधर से चालू हुई, इधर से चालू हुई, आधा घर जल गया। जब जाके किसी ने पूछा कंगन तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कहते अगर जी पहले ही पूछ लेते तो घर नहीं जलाना पड़ता। क्या कह रहे हैं? पहले पूछ लेते तो घर नहीं जलाना पड़ता। ये जीव ने इस एक एक पर्याय का मान करके अपने अनंत भाव बर्बाद किए, मान कषाय के चक्कर में अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा की विराधना। क्या कह रहे हैं? ये ईंट पत्थर के मकान ईंट पत्थर के नहीं लगते हैं, उसको ऐसे लगते हैं ये मेरे सपनों का घर है। प्रमोद जी, प्रमोद जी मिलाई वाले भैया, सपनों का घर कैसा है? आपनों अपना आपका सपने का घर कैसा है? आपके सपने का घर कैसा है बोलो, हाँ अच्छा है कि नहीं है? हाँ हमको लगता तो बहुत अच्छा है, पर गजब की बात है सपना बन के रह जाएगा, सपना बन के रह जाएगा, अपनी कहानी खत्म, और फिर कोई पूछने वाला नहीं। सपनों का घर सपना बन के रहता है। भूधर दास जी ने भूधर शतक में एक इतना सुंदर काव्य लिखा, जैन शतक जिसके नाम से प्रसिद्ध है। चाहत है धन होए किसी विध, तो सब काज सरे जी राजी। क्या कह रहे? चाहत है धन होए किसी विध, तो सब काज सरे जी राजी।
गेह चिनाए बनाऊ गहना कछु ब्याह सुता सुत बांटिए भाजी। चिंतत यो दिन माही चले जम आने अचानक देत दगाजी। ये सोचते हुए ऐसे ही करके कमाऊं, ऐसे ही करके कमाऊं, इस विधि से नहीं तो उस विधि से करवाऊं, एक नंबर नहीं तो दो नंबर कमाऊं, कमाऊंगा जरूर। चिंतत यो दिन माही चले जम आने अचानक देत दगाजी। खेलत खेल खिलाड़ी गए रह जाए रूपी शतरंज की बाजी। क्या कह रहे, खेलते खेलते खिलाड़ी चले गए और शतरंज वहीं की वहीं धरी रह गई। हाँ बताया था आपको, इसका विस्तृत वर्णन बताया था मैंने कभी एक दिन, परंतु भादों में हमें कई नए लोगों का साथ बनता है, इसलिए बात कही है तो कह देता हूँ। शतरंज में जो प्यादा होता है ना, वो एक एक घर आगे बढ़ता है, एक एक घर प्यादा, और वो ये सोच करके आगे बढ़ता है कि मैं जिसके घर में पहुंच जाऊंगा, अगर मैं वजीर के घर में पहुंच गया तो वजीर बनूंगा, ऊंट पे पहुंच गया तो ऊंट बनूंगा, हाथी पे पहुंच गया तो हाथी बन जाऊंगा, अधिक क्या कहें, अगर मैं राजा के घर में पहुंच गया तो राजा बन जाऊंगा। यह सोचकर एक एक कदम चलता है और इधर पे प्रतिपक्षी दल राजा को चेक दे देता है। क्या कह रहे, खेलिए शतरंज। शतरंज खेली कि नहीं, किसने खेली, हाथ उठाओ। बनारसी दास जी ने भी खेली थी। क्या कह रहे, पहले वो वाली शतरंज खेली थी और फिर उसके बाद अध्यात्म की शतरंज का रस चढ़ा तो वो शतरंज का रस छूट गया। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे शतरंज के। क्या कह रहे, बताते थे जो दो जन थे, एक डॉक्टर साहब थे हमारे नाना जी, हम कहते थे डॉक्टर केसी जैन भारेल साहब सूनी के, और पिताजी बड़े घनिष्ठ मित्र थे दोनों जन। जब उनके नया नया परिचय हुआ था और वो आए थे सिवनी, तो उस समय तो नई उम्र के थे, शतरंज खेलते थे, तो ऐसा रस चढ़ता था, रात में शाम को 7-8-9 बजे बैठे हैं तो 3-3 बजे रात तक शतरंज खेले। क्या कह रहे, पैसा लगा के नहीं, बिना पैसा वाली, लेकिन रस था, परंतु परिणाम तो भागता होगा ना, मैं जीता मैं जीता मैं जीता, मुझे जीतना है। वो जो प्यादा सोचता था एक एक कदम बढ़ते बढ़ते, उसे पता नहीं है एक बार राजा को चेक पड़ी, तेरी पूरी चौपट वहीं की वहीं पड़ी रह जाएगी, तू जिस घर में वहीं रह जाएगा, एक कदम बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार ये चैतन्य राजा इस देह से निकला, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे जब इस पार्थिव शरीर को लेकर के नगर से जाया जाता है तो लोग उसको ऐसे अशुद्धता से देखते हैं, हमारे यहाँ तो जहां से निकलती है ना अर्थी, जहां से निकल जाए वहां लोग पानी डालते हैं रोड पे, देखा रोड पे पानी फेंक देते हैं एक एक गिलास, क्यों भैया ये क्या है, ये तो नगर सेठ थे ना, इनके यहाँ तो खा खा के आपने पानी पी पी करके पेट भरा अपना, आज उनकी अर्थी निकल रही है तो आप पानी क्यों फेंकते हो, क्योंकि इसमें जो कीमती पदार्थ था, जो शुद्ध चैतन्य आत्मा था, वो निकल गया, आप तो सिर्फ गंदगी बची है, अपवित्रता निकली है, तो पानी करके फेंको, अलग करो अशुद्धि। बात ख्याल है हमारी, हाँ, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया, लेकिन कभी उसको हम निर्मल नहीं कर पाए, और जो गायक स्वभाव निर्मल था उसकी दृष्टि नहीं कर पाए, कैसे पवित्रता प्रकट होगी। देखो ये बात जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। यदि कोई अपना सम्मान आदि ना करे तो उसे भयादिक दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है। क्या कह रहे हैं, अप्रोच भिड़ाता है, किसी से इशारा कर देता है, थोड़ा मेरा नाम ले लेना, जैसे मैं मान लो मुझे संचालन का दायित्व सौंपा गया कार्यक्रम में, भजन संध्या में मुझे संचालन करना है, अब मुझे भी एक गीत गाना है, तो अब मैं खुद का नाम लेके तो नहीं कहूंगा ना कि अब अमुक व्यक्ति, अब मिस्टर जैन साहब भजन प्रस्तुत करेंगे, ऐसा बोलूंगा तो जमेगा तो नहीं, पर भाव तो है कि मेरा नाम के साथ मुझे बुलाया जाए, तो इशारा कर देगा पीछे अपने परिचित को। क्या कह रहा है कि जब तुमको मैं बुलाऊं ना उसके बाद तुम मेरे को बुला ले। क्या कह रहे हैं, तुम मेरे को बुला लेना कि अब जो बहुत सुंदर संचालन कर रहे थे, वह भी बहुत बड़े सुर समग्र साम्राज्य हैं, बहुत कोकिल कंठी हैं, अब उनके माध्यम से हम भी एक भक्ति का रसपान करेंगे, मतलब पहले से व्यवस्था जमा लेता है, पीछे स्टेज के पीछे जाके व्यवस्था जमा के बैठता है। देखो कोई सम्मान आदि ना करे तो उसे भयादिक दिखाकर और दुख उत्पन्न करके भी अपना सम्मान कराता है। बहुत है इस पे विचार करने का है, मैं तो संकेत करता हूँ,
आप सभी तत्वाभ्यासी जीव हो, आप जितना जितना इस विषय पे गहन चिंतन करेंगे उतना उतना इसमें आपको विशेष विशेष जानने को मिलेगा। देखिए, तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हो उनका भी सम्मान नहीं करता। जब इसके मान कषाय का उदय चलता है तो बड़े छोटे का भेद खत्म, बड़ों का सम्मान का भाव नहीं आए। गजब की बात है, बड़े जन बैठे रहे और इसको ऐसा लगे कि मेरा प्रवचन चल रहा है तो ज्यादा लोग मुझे सुने ज्यादा अच्छा। क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं आज वर्तमान परिवेश में एक दुखती रग पे आपका हाथ रख दूं, क्योंकि मुझे उस विषय में कोई भय नहीं है। क्या कह रहे हैं? मुझे अनेक लोगों ने कहा, आज दशलक्षण पर्व के जब भी आयोजन होते हैं, कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, निश्चित ही अनेक विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है, अनेक कार्यक्रम तय किए जाते हैं, लेकिन एक चीज की कमी अपन सब में देखने को आजकल वर्तमान परिवेश में मिलती है। गुरुदेव श्री आदि के प्रवचन को ऐसे समय पे तय कर लिया जाता है जो समय किसी व्यक्ति के लिए निवृत्ति का टाइम हो। पूजा हो गई डेढ़ दो घंटे की, उसके बाद गुरुदेव श्री का प्रवचन रख दो, ताकि क्या होगा कि लोगों को विश्राम करने का समय मिलेगा। किसी को दर्शन करने जाना हो, दूध चाय पीना हो, ये करना हो, वो करना हो, ऐसा उन्होंने बात कही। बात बिल्कुल सच कही, 1% गलत नहीं थी। जिनके अध्यात्म प्रभावना योग में हम इतनी बात कहने की सामर्थ्य रखते हैं, हम उनके प्रति ऐसी उदासीनता रखें, ये अपने लिए विचारणी बात। क्या कह रहे हैं? दूसरी बात, आज आचार्य देव भगवंतों की वाणी का कथन ना करके अपनी बात कहने की जो प्रवृत्ति यदि कहीं चले तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है। मूल शब्दों का वांचन पठन होना चाहिए, क्या लिखा गया है, आचार्य देव के कथन क्या है, अपनी सामर्थ्य क्या है उनके सामने दो शब्द कहने की। क्या कह रहे हैं? अरे आज हम टोडरमल जी जैसे गृहस्थ सदगृहस्थ की बात करें तो हमको ऐसा लगता है कितना उत्कृष्ट चिंतन था, अपन सोच नहीं सकते ऐसा तो उत्कृष्ट उन्होंने व्याख्या की। तो देखो क्या लिखा, मान होने पर कोई पूज्य बड़े उनका सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता, यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई ना दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है। क्या कह रहे? मान लो कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया कि आपको 10 मिनट बोलना है, लेकिन कार्यक्रम लंबा खिंच गया क्योंकि बीच वालों ने समय मर्यादा तोड़ के ज्यादा बोल दिया। बहुतायत ऐसा हो जाता है, कभी सम्मेलन वगैरह में आपने देखा होगा है? कभी सम्मेलन में वो ऐसे दायित्व लेने में बहुत खतरा रहता। क्या कह रहे? दायित्व लेने में बहुत खतरा, कभी सम्मेलनों में ऐसी स्थिति देखने मिली, कभी कभी बीच वाले कवि के ऐसे भाव उमड़ते हैं कि वो भूले जाता कि आगे भी कोई बोलने वाला है। यानी जो सभा अध्यक्ष होगा वो बेचारा ऐसा है जैसे चटाई उठाने के लिए बैठा है आखिरी में, बाकी तो कोई बचा ही नहीं उसके लिए। वो तो ऐसा लगता उसके अंदर ही अंदर कैसा फील होता होगा मन में, मुझे अध्यक्ष बना के मान लो कटघरे में खड़ा कर दिया, दंड दे दिया, 4 घंटे बैठा के रखे और आखिरी में कहते हैं अब अध्यक्ष महोदय 2 शब्द कहेंगे, उसके क्या होता होगा, कितना संताप होता होगा उसके अंदर। वो तो कसम खा ले कभी नहीं बनना अध्यक्ष, कभी नहीं बनना किसी सभा में, क्योंकि बिल्कुल आखिरी तक बैठो और 2 शब्द बोलो और वो भी झूठा बोलो, भले अंदर बहुत तकलीफ थी तो भी ये कहेगा बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ साहब, हम चाहेंगे कि होता रहे, लेकिन हम सावधान रहेंगे सदैव। आप विचार करके देखना, देखो यहाँ पे जो बात कह रहे हैं ना, मान होने पर यदि अन्य नीचा स्वयं ऊंचा दिखाई ना दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है, बोलने मिल जाए तो ऐसा लगता है मेरे को सबने जान लिया पहचान लिया। गजब की बात है, स्वयं स्वयं को जानता नहीं है और थोड़ी बाह्य गुणों की अपेक्षा अपनी पहचान मानता है, ये तो कहना चाहिए मोह का उन्मत्तपना है। तथा अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है, ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। मैंने कुछ पंक्ति लिए, एक एक पंक्ति पे आप गंभीरता से विचार करते चलना, थोड़ा सा पूजन की लाइन पढ़ भर लें, अर्थ नहीं करेंगे, समय का तो पता नहीं लगता, निश्चित ही समय की सबसे बड़ी कमी है कि उसके पास समय नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये सबसे बड़ी कमी है समय की, समय के पास समय नहीं है। आप सोचो तो, अगर आपको अपने हित का रस लग जाए तो ये समय इतना कम प्रतीत होगा वर्तमान पर्याय का, आपको ऐसा लगेगा कितनी चली गई और कितनी अल्प बची, रुचि लग भर तो जाए,
और ना रुचि लगे तो ऐसा लगता जैसे अजर अमर हूं। अरे कुछ नहीं होना, जिसका हुआ था हुआ, मेरे साथ ऐसा थोड़ी ना होगा। हर व्यक्ति ऐसी स्थिति में अपने समय को खो रहा। संसारी अवस्था में जीव की बात करें, हर का मतलब बहिरात्मा समझना, ज्ञानियों के लिए कथन नहीं करना पड़ता, वो तो स्वयं समझदार होते। क्या चारों तरफ जंगल में आग लगी है, एक एक वृक्ष जलता चला जा रहा है। गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन में दृष्टांत देते हैं, चारों तरफ जल रहा है, वृक्ष जलते चले जा रहे हैं, बीच में एक वृक्ष पे एक पक्षी बैठा है, परंतु उसको ये देख रहा है, ये गया वो गया, ये मरा वो मरा, उसको ये प्रतीत नहीं होता अग्नि मेरी तरफ बढ़ रही है, मेरी तरफ बढ़ रही है, और मुझे भी ये समेट लेगी, कोई पूछ नहीं पाएगा, कोई बचाने नहीं आ पाएगा। मान महाविश्व रूप कर ही नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। मान जैसा विष कोई दूसरा नहीं है, लेकिन जिसको विष पीना अच्छा लगता है उसे अमृत क्यों सुहाएगा। तारीफ कर दी जाए जूते की कि जूता बहुत चमक रहा है तो खुश हो जाता है जूता पहनने वाला। क्या कह रहे हैं, जूता चमका के जाए किसी पार्टी में पॉलिश करके, तो प्रसन्नता में किसी ने कह दिया जूता तो बहुत जबरदस्त दिख रहा, बहुत जबरदस्त दिख रहा, तो बोलो जूते को खुश होना चाहिए कि पहनने वाले को होना चाहिए। कि होना तो चाहिए जूते को, क्योंकि चमक वो रहा था, लेकिन खुश ये मूर्ख हो जाता है। यानी वैसी स्थिति है जैसे बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता। क्या कह रहे हैं, वो ही है पूरी स्थिति और कुछ नहीं। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करण को कौन ठिकाना। उत्तम मार्दव गुणों का भंडार है, सरलता मृदुता ये गुणों का भंडार है, मधुता से ही सारे गुण प्रकट होते हैं। आप जितने मधुर भाषी होंगे लोग आपको उतना प्रेम करेंगे, आप इतने निकट। देखो एक तो ऐसे होते हैं लठ पटक लोग, मतलब उनसे धर्म की भी बात करो तो आदमी को भयाक्रांत हो जाए, पता नहीं गुस्सा ना आ जाए, कुछ ना कुछ कह दे, सभा में चिल्ला ना दे। और एक व्यक्ति ऐसे मृदुभाषी होते हैं, वक्ता के लक्षण में कहा गया है अति प्रश्न सही होना चाहिए वक्ता। क्या कह रहे हैं, विषय का जानकार हो, अति प्रश्न सही हो और कोमल हृदय का हो, अनुशासन में सख्त हो लेकिन वचन व्यवहार में कोमल हृदय का, वचन ऐसा हो कोमल, मीठी बात कहे, हे जीव हे भव्य जीव ऐसा कहे, ऐसा ना लट पटक दे कि सामने वाला कसम खा ले आज के बाद मंदिर में नहीं आना, इनकी कक्षा में तो बैठना ही नहीं, बहुत रफ टप बोलते हैं। देखो उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करण को कौन ठिकाना। बस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रूपन भाग बिताया। याद है अर्थ हा? मैं आपको इसलिए संकेत याद दिला देता हूं, कहीं पूजा पूरी ना हो जाए, पूजे खत्म हो जाए 10 धर्मों की और अपने को भाव पकड़ नहीं आया तो काम नहीं होने वाला। अरे अनादिकाल से तू निगोद में रहा, किस बात का अभिमान करता है, और किन किन पर्यायों में गया, ऐसी पर्यायों में गया कि भटे के भाव बिकाए। क्या कह रहे, दमरी रूकन भाग बिकाया, पुरोनी में गया है, पुरोनी में पहले के समय में जो सुराई में भर के अनाज बेचा जाता था, वो बेच के अनाज थैली में डाला तो सामने वाला कहता था थोड़ा सा तो और दो ऊपर से, तो एक दो मुट्ठी वो डाल देता था। बोलो वो एक दो मुट्ठी की कोई पैसा लेता था क्या, नहीं, उस एक दो मुट्ठी अनाज में जो घुन लगी हुई थी उस घुन में तू था। किस चीज का अभिमान करता है पर्याय का, दमरी रूकन भाग बिकाया, रूकन बिकाया भाग वस्ते देव एक इंद्री भया। अरे उस भाव बिकने के बाद किसी पुण्य उदय के कारण देवादि गति में गया, उत्तम हुआ, चांडाल हुआ, अरे उत्कृष्ट अवस्था में गया, फिर निकृष्ट में आया, फिर चांडाल आदि पर्याय में गया, भूप कीड़ों में गया, राजा की पर्याय में हुआ तो भी वहां से मर के कीड़ा बन गया, कहां का नाली का कीड़ा बन गया। जीतव्य जौवन धन गुमान, कहा करे जल बुदबुदा। क्या कह रहे हैं, ये जो जीवन है वर्तमान, जौवन है ने युवावस्था, धन, ये सब इसका क्या घमंड करना, ये तो जल के बुदबुदे के समान है, एक समय में जाने वाले हैं, पता नहीं लगने वाला, एक समय में सब, या तो ये वैभव चला जाएगा या तुम चले जाओगे। मैं आपसे पूछता हूं क्या होने वाला है, पैसा धन वैभव हो सकता है रखा रह जाए, क्योंकि वो तो पुण्योदय के अनुसार मिला था, लेकिन निश्चित काम क्या होने वाला, ये धरे रह जाएंगे और अपन चले जाएंगे, और जो जाएंगे तो ये सिर्फ इसके स्वामीपने का परिणाम लेकर के और दुर्गतियों में जाना पड़ेगा।
तो देखो, करी विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। इसलिए ज्ञान का प्रयोग करो, मान का प्रयोग नहीं करो। ज्ञानियों की प्रशंसा करो, ज्ञानियों की भक्ति करो, बड़े जनों की संगति करो और उनके मार्ग का अनुसरण करो तो ज्ञान का विकास होगा। ज्ञानी की संगति धर्म को कारण, आलस छोड़ पड़े जो पड़ा। ज्ञानी की संगति से ज्ञान होता है। क्या कह रहे हैं? अरे चलते फिरते विश्वविद्यालय है ज्ञानी जन। विश्वविद्यालय मतलब क्या? जैसे विश्वविद्यालय में जाने पर विषय की विशेषज्ञता प्राप्त होती है, रहस्य जानने में मिलते हैं, विषय की गंभीरता का ज्ञान होता है, ऐसे ज्ञानियों की संगति में रहने पर प्रैक्टिकल जीवन समझ में आता है। धर्म चर्चा करना आसान बात है, धर्म जीवन में उतार करके और सबको उस चीज का अनुभवन कराना, ये ज्ञानियों के ही संभव है, अज्ञानी के बस का काम नहीं। इसलिए यहाँ पर इतनी चर्चा करते हुए हमारे राजचंद जी साहब की एक पंक्ति कहकर विराम लेता हूँ। रजकण यारे दीवे मानिक देव की, सब में भासे पुद्गल एक स्वभाव, जब अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। रजकण या रिद्धि वैमानिक देव की, एक धूल का कण हो या वैमानिक देव का वैभव हो, जब दोनों एक पुद्गल की स्थिति दिखेंगी, दोनों पुद्गल की पर्याय दिखे, ऐसी परिणति मेरी कब हो जाए, ऐसी भावना रखते हुए मार्दव धव हमारे जीवन में प्रकट हो, इस भावना से विराम लेते हैं आज की भक्ति के क्रम के पूर्व। मैं एक बार तीर्थधाम मंगलायतन की एक झलक आपको देना चाहता हूँ। हमारे साथ आज तीर्थधाम मंगलायतन का परिवार है। पिछले वर्ष मैं यहीं पर था, आदरणीय हमारे रोहाड़िया जी साहब भी, पंडित जी दिख रहे हैं, और भी अनेक साधर्मी बंधु हैं जो यहाँ पे स्वाध्याय में अपने साथ जुड़े हुए थे। निश्चित ही सभी अभ्यासी आत्मार्थी जीव हैं। हमारे आदरणीय पवन जी भाई साहब के सानिध्य और निर्देशन में बहुत सुंदर धर्म प्रभावना वहाँ पर चलती है और सतत कार्यक्रम होते रहते हैं और विद्यार्थियों का अध्ययन अध्यापन होता है। आपको याद होगा हम सभी तीर्थ वंदना के क्रम में एक बार मंगलायतन दर्शन को भी गए थे, तो ये वही क्षेत्र था। आज वहाँ के भी साधर्मी बंधु अपने साथ स्वाध्याय में जुड़े हुए थे। आइए अब हम सभी जिनेंद्र भक्ति के क्रम के लिए आगे बढ़ते हैं और जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए आज जो हमें नाम प्राप्त हुआ था, आज हमारे एक साधर्मी बंधु हैं, हाँ भरत जी भाई संगई। पहले आप हम आपसे भक्ति का लाभ लेंगे, हमारे पुराने साथी हैं। जब से हमने यात्रा संघ प्रारंभ की थी भरत भाई हमारे साथ थे और भरत भाई प्रारंभ करिए। आवाज पहुंच रही सब? बहुत अच्छे से, आराम से लीजिए आप। बिल्कुल, आप सभी को सादर जय जीवन साहब। ममता की पतवार ना तोड़ी, आखिरी को दम तोड़ दिया। ममता की पतवार ना तोड़ी, आखिरी को दम तोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिवपुरी का मार्ग छोड़ दिया। ममता की पतवार न छोड़ी, आखिरी को दम तोड़ दिया। नरक में जिसने भावना भाई, मानुष तन को पाने की। भेष दिगंबर धारण करके मुक्ति पद को पाने की। लेकिन देखो आज ये हालत, लेकिन देखो आज ये हालत, ममता के दीवाने की।
चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता तोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिवपुरी का मार्ग छोड़ दिया। ममता की दीवार न तोड़ी, ममता के बंधन में बंध कर क्या 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 युग युग तक सोना है। मोहरी का सचमुच इस पर हो गया जादू टोना है। चेतन क्या नर तन पाकर, चेतन क्या नर तन पाकर अब भी आए अब भी यो खोना है। मन का रथ क्यों शिव मार्ग से कुमार्ग पर मोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिवपुरी का मार्ग छोड़ दिया। ममता की दीवार न तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। मत खोना दुनिया में आकर, ये बस्ती अनजानी है। जाएगा हर जाने वाला, जग की रीति पुरानी है। जीवन बन जाता यहाँ पंकज, जीवन बन जाता यहाँ पंकज, सबकी एक कहानी है। चेतन निज स्वरूप देखा तो दुख का दामन तोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिवपुरी का मार्ग तोड़ दिया। ममता की पतिवार न तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। जय जी मैं सर। बहुत सुंदर भजन अभी हमारे भाई साहब ने लिया, भरत भाई ने लिया औरंगाबाद से। यद्यपि मैं थोड़ा सा आपके भजन के साथ साथ भावुकता का भी अनुभव कर रहा था। देह छता जीणी दशा वर्ते देहाती, देह होने पर भी देह से भिन्न जो अनुभवन करें, ऐसे ज्ञानियों के चरणों में वंदन कहा है। बहुत सुंदर भक्ति के क्रम में, जबकि स्वास्थ्य अभी वर्तमान परिवेश की परिस्थितियों ने प्रतिकूल किया, और उस परिस्थिति के बाद भी आप तीर्थ यात्रा में हमारे साथ पहले तो थे ही। आपने पुरानी तीर्थ यात्राओं में, जो महाराष्ट्र की तीर्थ यात्रा में थे, आदरणीय भरत भाई ने बहुत दौड़ भाग की, बहुत परिश्रम किया, और आगामी तीर्थ यात्रा जो हमारी चलेगी वो शीघ्र स्वस्थ होकर के और घर पे हमारे साथ आगे तीर्थ यात्रा के लिए तैयार है। मुझे निश्चित ही उनके स्वास्थ्य के प्रति भी और उनके धर्म के प्रति जो दृढ़ता है, इसका निश्चित ही कहना चाहिए, ये श्रद्धान है, बिल्कुल भाव है कि वो निश्चित बहुत शीघ्र स्वस्थ होकर के और हमारे साथ आने वाली यात्रा में आगे चलने वाले। इसी के साथ साथ अभी जैसे उन्होंने पाठ लिया, मैं आपको एक बात कहता हूँ। हम प्रतिदिन सुबह की जब पूजन पढ़ते हैं तो उस पूजा में हम एक लाइन पढ़ते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सुस्त तो दुस्त तो पिबा ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पापई प्रमुच्यते। अपवित्र दशा हो या पवित्र दशा हो, जो पंच परमेष्ठी भगवंतों का स्मरण करते हैं उनके सर्व पापों का नाश होता है। आप बिल्कुल ये विकल्प नहीं करें, क्योंकि मेरी उनसे लगभग विगत 2 दिनों से चर्चा चल रही है। उनको बोलने में भी तकलीफ होती थी, श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी वो मुझसे मेरी बात होती थी,
तो उन्होंने मुझे बार बार कहा, पंडित जी मैं थोड़ा धीरे धीरे कर पाता हूँ बात, आपका समय लेता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं है। और उन्हें मैंने एक ही बात कही कि आप अपनी धर्म आराधना करने के लिए एकांत से एकांत व्यवस्था आपको मिली, परम एकांत माहौल मिला है। अब भेद ज्ञान करने के लिए कि कोई आपके निकट में ना भी हो तो भी ज्ञायक स्वभाव आत्मा पंच परमिष्टि भगवान अपने साथ हैं। और साथ ही साथ एक अकाट्य सिद्धांत ध्यान रखें, वस्तु की स्थिति सदैव एक जैसी नहीं होती है। क्या कह रहे हैं ये सिद्धांत? मुझे मेरे पिता जब उनकी समाधि चलती थी तो वो मुझे कहते थे वस्तु की स्थिति सदैव एक जैसी। अपने को इस सिद्धांत को दृढ़ता से अंगीकार करना है तो हमारा 10 धर्मों की आराधना, स्वाध्याय, ये सब सार्थक होगा। क्या कह रहे हैं, कदाचित अपने जीवन में थोड़ा सा प्रतिकूल प्रसंग बन जाए ये हो, लेकिन फिर भी हम महाभाग्यशाली हैं कि हमें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, हम देवशास्त्र गुरु के निकट हैं, स्वाध्याय चिंतन का अमृत पी रहे हैं। अब तो मिथ्यात्व का रोग जाने वाला है, जगत के रोगों का हमारे सामने क्या समय। ऐसा हम सभी एक मंगल भावना के साथ हमारे साधर्मी बंधु के शीघ्र स्वास्थ्य की भावना रखते हैं। आइए भाव प्रतिक्रमण पढ़ने के पहले मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। आइए भाव प्रतिक्रमण का पाठ प्रारंभ करते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्राश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए जिनवाणी स्तुति के लिए, यद्यपि मुझे 2-3 नाम आए थे, मैं जो लोग सहज उपलब्ध हैं मैं उनके माध्यम से जिनवाणी स्तुति के लिए उन्हें आमंत्रित कर लेता हूं। अभी मुझे लास्ट में एक डॉक्टर हीरल मेहता करके हैं, उनका मैसेज आया था, यदि वो हैं हमारे साथ अभी उपस्थित हो तो आपका हाथ उठाएं। हीरल मेहता जी, दिल्ली से अनिल जी हैं क्या? अनिल जी, उन्होंने भी मुझे सूचित किया था। अनिल जी, ओ डॉक्टर हीरल मेहता, राइट। हाँ बेटा, आज आप ले लीजिए, कल अनिल जी ले लेंगे, और उसके बाद में हमारे सैलू से जो परिवार है, सैलू का जो आमंत्रित करता परिवार है इस कार्यक्रम का, वो ले लेंगे। हाँ आपका माइक अनम्यूट करिए। हाँ प्रारंभ। Yeah.
बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति अभी ले। क्या नाम है बेटा आपका, माइक पे आके बोलो नाम। आपका नाम क्या है? दिशा। अच्छा, थोड़ी सी आवाज कम हो गई है, कोई बात नहीं, पर बहुत सुंदर भक्ति ली। वो बहुत छोटी बालिका थी पर बहुत उत्साह के साथ ली, कई बार बैठी फिर खड़ी हो गई। क्या कह रहे, इतना उसमें उत्साह था कि बैठ रही थी खड़े हो रही थी, बैठ रही थी खड़े हो रही थी, लेकिन जो उसकी जिनवाणी स्तुति के प्रति एक उत्साह भक्ति का भाव था वो उसने उसे पूरा किया। साथ ही साथ हम निश्चित ही ऐसे बच्चों के, बालकों के कंठ में या हृदय में जब इस तरह की स्तुति पाठ आदि को देखते हैं तो अपने मन में ये भाव अंदर से आता है, ये बच्चे अगर इन विकल्प जालों से बचें और सांसारिक उपद्रवों से बचें, संसार की उठापटक से बचें और इनके ज्ञान का सदुपयोग हो जाए तो वास्तव में बहुत जल्दी अपना हित करके मोक्ष मार्ग में जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की प्रवृत्ति बड़ी निश्चल होती है। इसलिए हम ऐसी भावना भाते हैं कि आज भले आपने इसका स्मरण किया हो, जब थोड़ी आगे की पाठशाला आप पढ़ो तो इसका अर्थ विचार करना, मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को। हे जिनवाणी माँ, आप अनादि के मिथ्यात् का नाश करने वाली और ज्ञान का प्रकाश करने वाली हो। ऐसी माँ जिनवाणी के चरणों में बारम्बार वंदन करते हुए आइए काय उत्सर्ग करेंगे तीन बाण ओंकार मंत्र का पाठ। रमो अरिहंताणम, रमो सिद्धाणम, रमो आयरियाणम, रमो वज्रायाणम, रमो लोए सब साहूणम। रमो अरिहंताणम, रमो सिद्धाणम, रमो आयरियाणम, रमो वज्रायाणम, रमो लोए सब साहूणम। रमो अरिहंताणम, रमो सिद्धाणम, रमो आयरियाणम, रमो वज्रायाणम, रमो लोए सब साहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। दस लक्षण धर्म की जय हो। इस तरह से अभी हमने मार्दव धर्म की यहाँ पे स्वाध्याय किया, चर्चा की, और कल प्रातः काल हम पुनः 7 बजे से पूजन के लिए जुड़ेंगे। 7 से 8:30 के टाइम पे आप थोड़ा सा सूचना सुनने के बाद ही जाएं। 8:30 बजे की पूजन के उपरांत पूज गुरुदेव श्री की सीडी अपनी स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में एक लिंक आपको प्रेषित है, आप स्वाध्याय उसमें जुड़ें। और जब अपना यहाँ पे पाठ प्रारंभ होता है 9:10 पर, तब आप चाहें तो यहाँ पर से संसार अपने जो समय सारजी की स्तुति है उसके समय फिर आप इस लिंक को वापस जोड़ सकते हैं। और इसी तरह इसी क्रम में हमारे दोपहर का जो समय थोड़ा सा परिवर्तित हुआ था वह हमारी ज्ञान गोष्ठी की जो चर्चा चल रही है, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से संबंधित आज गुरुदेव श्री की जो व्याख्या है, प्रवचनों के प्रश्नों के उत्तर हैं, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं 3:30 से 4:30 और रात्रि में 8 से 9 अपना स्वाध्याय। जिस किसी भाइयों को भी भक्ति और ये लेना है, आप अपना नाम नगर का नाम लिख के व्हाट्सअप करिए मुझे, मैं कल जो नाम आ जाएंगे उनकी लिस्ट पहले ही बना के डाल दूंगा, क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ आदमी हूँ, मैं भूल जाता हूँ तो मुझे फिर याद नहीं रहता, फिर लास्ट मोमेंट पे मैं फिर खोजता हूँ, तो मैं अपना समय उतना बचाने का प्रयास करूंगा। आप पहले से मुझे भेज दीजिएगा तो मैं आपके नाम आपको आमंत्रित कर लूंगा। हम इसी तरह से अपनी आराधना को बलवती करें और इस संसार अभाव के लिए जो अपूर्व अवसर हमें प्राप्त हुआ है इसे ना खोते हुए इस जीवन को सार्थक करें, इस पर्याय को सार्थक करें, धर्म आराधना पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें और अंतिम में समाधि पूर्वक देह त्याग करके मुक्ति श्री को प्राप्त करें। इस भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र। जो लोग मुझे सोशल इस पे मैसेज कर रहे हैं ना, जिन्हें नंबर ऐड कराना है
वो सिर्फ मेरे नंबर बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए नंबर, आप मुझे उस पर मैसेज करिए 9424374537485, फिर से 9424374855, इस नंबर पे आपका नाम और नगर का नाम भेजेंगे तो हम आपको स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में ऐड करेंगे, जिससे आपको सभी सूचनाएं प्राप्त होंगी।